तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे मीटर रीडिंग पे जो रीडिंग शो हो रही है दैट इज़ 32 and 395.6 किलोमीटर्स। तो गाइस काफ़ी अच्छा फिगर देखने को मिला मेरे को, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने फ्यूल डलवाया तो मैंने डलवाया था 900 का एंड दैट वाज अराउंड 9 to 10 लीटर्स में भी, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने उस समय देखा नहीं था कि कितना पेट्रोल डला मेरी बाइक में। बट गाइस अगर 9 लीटर्स के हिसाब से 900 के हिसाब से देखा जाए तो मेरी गाड़ी 395.6 किलोमीटर चल चुकी है। इट मीन्स ये मेरे को ऑलमोस्ट 40 का एवरेज दे रही है। जब भी मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाता हूँ तो ऑलमोस्ट जब मेरी आई ब्लिंक कर रही होती है, मीन्स जिनको आप पंजाबी या हिंदी में डंडे बोलते हो, डंडे बढ़ गए भाई, 3 डंडे हो गए, 4 डंडे हो गए, बट मैं उसको आई कंसिडर करता हूँ। तो गाइज जब मेरी आई ब्लिंक कर रही होती है तब मैं जाकर तेल डलवाता हूँ। बट इस समय जो लास्ट टाइम मैंने तेल डलवाया था, पेट्रोल डलवाया था, तो मैंने अपना जो सिलेंडर ब्लिंक करा था ना, पर्टिकुलर सिलेंडर जब वो ब्लिंक करा था तब मैंने तेल डलवाया था एंड मेरा अब भी आई ही ब्लिंक कर रहा है। अभी तक मेरा अकेले सिलेंडर ब्लिंक नहीं कर रहा मेरे, इट मीन्स कि मेरी बाइक में बहुत सारा पेट्रोल है अभी भी। ओके तो लेट्स सी कब तक ये वाला जो इंडिकेटर है बंद होता है, आई इंडिकेटर बंद होता है, देन आई विल गो फॉर पेट्रोल अगेन। क्योंकि जब मेरा सिलेंडर ब्लिंक करेगा तभी मैं पेट्रोल के लिए जाऊँगा, तब मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाऊँगा कि मेरी बाइक ने कितना एवरेज दिया। तो गाइज होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको खूब पसंद आएगा एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड ये पर्टिकुलर जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये जो मेरा व्लॉग है, ये स्पेशल बना रहा हूँ मैं उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरे को कमेंट करके पूछा, बार बार पूछा कि आपकी बाइक कितनी माइलेज देती है, क्योंकि उनकी भी ये बहुत फेवरेट बाइक है, अवेंजर क्रूज 220। तो गाइस ये दोस्तों, जो भी दोस्त मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जिन दोस्तों ने कमेंट डाला था तो उनको थैंक्स करूँगा पहले कि उन्होंने मेरे को बोला ऐसा एक वीडियो बनाने के लिए, मीन्स मेरे को ऐसा क्वेश्चन किया जिसकी हेल्प से मैंने ये वीडियो बनाना चाहा। आई वांट टू डेडिकेट दिस वीडियो टू माय दोस फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे को कमेंट लिख करके एवरेज के बारे में पूछना चाहा। तो गाइज आशा करूँगा कि ये वीडियो को खूब पसंद आए एंड इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा मैं कल तक, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़े काम के लिए। अगर मेरे को रास्ते में अगर मेरा सिलेंडर ब्लिंक करेगा तो मैं रास्ते में तेल डलवाऊंगा एंड इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, इस वीडियो को दोबारा शूट करूंगा। एंड अगर ये आज ये ब्लिंक नहीं करता तो इसको कल के लिए पोस्टपोन करूंगा एंड इस वीडियो को कल के लिए कंटिन्यू करेंगे एंड कल देखेंगे कि किस समय मैं तेल डलवाता हूँ, कितना डलता है एंड उससे फिर अंदाज़ा लगेगा, सही अंदाज़ा लग पाएगा कि मेरी बाइक कितनी एवरेज दे रही है। ये वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए है जो अवेंजर को लाइक करते हैं, अवेंजर को पसंद करते हैं एंड उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहते हैं। तो गाइस जितने भी मेरे पास पेट्रोल के रिगार्डिंग, एवरेज के रिगार्डिंग नॉलेज है वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। तो सो प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस वीडियो ऑफ माइन रिलेटेड विद द माइलेज ऑफ अवेंजर क्रूज 220। तो कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। मैं पहुंच गया हूं पेट्रोल पंप एंड उसका कारण एक ही था, क्योंकि ये देखिए ये जो सिलेंडर है मेरा बिल्कुल एम्प्टी शो कर रहा है। अभी फ्यूल के लिए इंडिकेशन मिल रहा है कि फ्यूल डलवाया जाए एंड अब तो रुकने पे आई भी ब्लिंक करनी शुरू हो गई है, जिसको कि आप डंडा बोलते हो लेकिन मैं इसको आई बोलता हूँ। तो गाइस टाइम आ गया पेट्रोल डलवाने का एंड पेट्रोल डलवा रहा हूँ मैं 404 किलोमीटर के चलने के बाद एंड अब देखते हैं कि कितना पेट्रोल डलता है, फिर उसी के हिसाब से एवरेज निकालेंगे। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड फिर आपको सही माइलेज के बारे में पता चलेगा। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि टैंक फुल हो गया एंड रीडिंग है इस पर 8.65, यानी कि 840 का डला। तो चलो चलते हैं आगे एंड थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा इसकी माइलेज के बारे में।
हाय फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज है अपनी इस वीडियो का सेकंड डे। एक्चुअली कल काम से वापस आते समय काफ़ी देरी हो गई थी एंड उसके बाद का वीडियो आज शूट करने जा रहा हूँ। एंड आज बताऊँगा आपको कि कितनी माइलेज मिली मेरे को उस 900 का डलवाई पेट्रोल में। एंड उस 900 के डलवाई पेट्रोल में ये अपनी बाइक चली थी 404 किलोमीटर, मीन्स 404 किलोमीटर पर जा कर के अपना सिलेंडर ब्लिंक करना शुरू कर दिया था एंड फिर जा कर के मैंने पेट्रोल डलवाया था। तो गाइज उसको कंसीडर करते हैं कि क्या माइलेज मिलेगी। एक्चुअली 900 रुपये में तेल आता है या तो 9.2 लीटर, 9.5 लीटर, या फिर कह सकते हैं एग्जैक्ट राउंड फिगर में 10 लीटर, क्योंकि मैंने स्क्रीन देखी नहीं थी जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया था। तो गाइस अलग अलग तरह की कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या माइलेज मिली होगी मेरे को। तो चलो कैलकुलेट करते हैं एंड देखते हैं एंड फिर बताता हूँ आपको क्या माइलेज मिली मेरे को। एग्जैक्ट तो पता नहीं चल सकती, फिर भी विल ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू द ट्रुथ। तो गाइज ये रहा अपना कैलकुलेटर। अपनी बाइक चली थी 404 किलोमीटर एंड अगर 9 लीटर की भी के हिसाब से भी एवरेज लगाई जाए, मीन्स अगर 404 किलोमीटर चली अपने 9 लीटर में, तब इसने एवरेज दी मान लो 44.8, लगभग 45 किलोमीटर के आसपास की। एंड अगर तो माने कि हमारा पेट्रोल डला होगा 9.5 लीटर, तब इसकी एवरेज रही होगी 42.5, ऑलमोस्ट 43 की। एंड गाइस एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं, मान लो अगर अपनी बाइक में उस समय तेल डलेगा 10 लीटर, तो उसके हिसाब से इसकी एवरेज देखते हैं तो ये बन रही है 40.4 किलोमीटर्स पर लीटर। तो गाइस एग्जैक्ट फिगर का पता नहीं चल सकता क्योंकि टैंक तो खाली नहीं था बिल्कुल जब मैं लेके चला था एंड इसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 लीटर या 2 से 3 लीटर तेल तो डला ही होता, ऑलरेडी होता ही होता है इस बाइक में, ठीक है। तो फिर भी अगर हम जनरली देखेंगे तो 40 का एवरेज तो दे ही रही है बाइक अपनी। एंड इस वाली जो मैंने टैंक फुल करवाया था 900 रुपये में, तो उसमें मैं मान के चलता हूँ कि इसने मेरे को 40 से अबव की एवरेज दी होगी, मोर देन 42-43। एंड उस रोड पे थोड़ा सा मेरे को ऑफ रोड भी देखने को मिला एंड मेरी बाइक भी उस रोड पे 75-80 इन बिटवीन, 80 भी कहना मुश्किल है, मींस 80 से नीचे रही थी बाइक की स्पीड। एंड आई थिंक सो कि 80 तक इसको अगर लेके चलते हैं, 80 तक इसको चलाते हैं 80 की स्पीड तक, तो ये काफ़ी अच्छी माइलेज देती है अपनी अवेंजर क्रूज 220। एंड गाइस ये जो एवरेज मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जब आपकी बाइक बिलो 80 चलती है या 85 से नीचे चलती है तो तब। एंड इसकी एक एवरेज और भी अभी निकालनी बाकी है, माइलेज और निकालनी बाकी है, जब ये हाईवे पर चलती है ना बाइक अपनी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 80 के मीन्स मैक्सिमम स्पीड पर चले, कई बार ये 120, 125, 130 को भी टच करती है, लेकिन उस समय उस रोड पे हाईवे पे ये अभी कैलकुलेशंस नहीं की है मैंने, ये अभी पेंडिंग है। एंड कभी मौका मिलेगा कभी लॉन्ग राइड पे जाने का, तब एक फुल्ली लॉन्ग राइड करूँगा ना जो मैं, तो उसमें मैं अपनी स्पीड भी मेंटेन ऐसे रखूँगा कि जैसे उसमें कभी 80 भी होगी, कभी 90 भी होगी, कभी 120 भी होगी, ठीक है ना। तो वो जो होगी ना वो आपको मेन एवरेज चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी हाईवे पर जाते हैं तो हमारी स्पीड आमतौर पे हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी तेज़ होती है। एंड कभी दिमाग में ये रख के चलाया नहीं जाता बाइक को कि भाई एवरेज लेनी है, माइलेज लेनी है एंड गाड़ी को स्लो चलाया जाए। अगर
लॉन्ग रन है, ठीक है, सड़क खाली है, तो आप 120 से भी ऊपर जाते हो, एंड इन दैट केस आई डोंट थिंक सो कि आप एवरेज की चिंता करते हो। आपको यही होता कि ये जितना डिस्टेंस है, जितना ये खाली रोड है, इसको जल्दी से जल्दी कवर किया जाए एंड जितनी भी स्पीड पर जा सकती है बाइक उसको लेके जाया जाए। तो गाइज उस समय अपनी बाइक की एवरेज कंसिडर करना बनता है ताकि पता चले कि जब कभी दोबारा हम इतनी लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो हमारी बाइक कितनी एवरेज देती है। मीन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द माइलेज ऑफ किसी भी बाइक की, माइलेज को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। तो गाइज अब बाइक को लेके चलेंगे हाईवे पे, हाई स्पीड पे, एंड एक बार एक और तजुर्बा करेंगे कि हाईवे पे हाई स्पीड पे चलने के बाद अपनी बाइक क्या एवरेज देती है। तो गाइज ये हाई स्पीड वाला जो माइलेज है, ठीक है, इसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी शाम ढलने को है एंड होपफुली ये कल ही पॉसिबल हो पाएगा। एंड एक बार फिर से मेरे को अपनी बाइक का टैंक करवाना पड़ेगा फुल, एंड फुल करवाने के बाद देखूंगा मैं हाईवे पे कहाँ जाता हूँ, कितनी डिस्टेंस कवर करता हूँ, एंड फिर उधर से वापस आ करके फिर टैंक को एक बार फिर से फ्यूल फुल करवाऊँगा, टैंक फुल करवाऊँगा, एंड फिर वो एक्यूरेट एवरेज मिलेगी हमें, एक्यूरेट माइलेज मिलेगी हमें जो हमें हाईवे पे मिलती है जब हम अपनी बाइक को 80, 90 से अबव, 100 से अबव, 120, 20-30 तक लेके जाते हैं। तो एक मिलीजुली लेकिन हाईवे की एक एग्जैक्ट माइलेज का पता चल जाएगा कि हाईवे पे हमें ये माइलेज मिलती है। तो गाइज बने रहिए अपने इस वीडियो के साथ, थोड़ा सा समय दीजिए अपने वेंकटेश बैंकी को, एंड फिर आपको एक एग्जैक्ट माइलेज का पता चल जाएगा कि हाईवे पे कितनी मिलती है, ठीक है, एंड बिलो 80 चलाने पे कितनी मिलती है। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, बस यही वाला बताना बाकी है कि हाईवे पे कितनी एवरेज देगी। तो गाइज बने रहिए इस वीडियो के साथ, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं एक बार फिर से पेट्रोल पंप, एंड अपनी बाइक चल चुकी है 798.8 किलोमीटर। मींस इससे पहले जब मैंने पेट्रोल डलवाया था तब ये चली थी 404 किलोमीटर। एंड गाइस चलो देखते हैं इसमें इस बार कितना पेट्रोल डलता है, एंड फिर इसकी इस डलवाए पेट्रोल की जो मैंने 750 का पेट्रोल डलवाया था लास्ट टाइम 404 किलोमीटर चलने के बाद, तो उसकी एवरेज देखें कितनी निकलती है। तो चलो पहले पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर उसकी एवरेज कंसीडर करेंगे, एंड उसके बाद जाएंगे पठानकोट एक लॉन्ग राइड पे जहाँ पे अपनी स्पीड रहेगी काफ़ी हाई, फिर देखेंगे वापस आकर के कितना और तेल डलता है, ठीक है, एंड फिर उसकी भी एवरेज निकालेंगे कि हाईवे पर इतनी मैक्सिमम स्पीड चलाने पर यह कितनी एवरेज देती है अपनी अवेंजर क्रूज 220 नूरा। तो गाइज ऑलमोस्ट पेट्रोल पंप पे अपना नंबर आने वाला है, तो चलो चलते हैं जल्दी से एंड पेट्रोल डलवाते हैं। तो गाइज डलवाते हैं तेल, बड़ा हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइज इस बार पेट्रोल डला 1000 रुपये का 10.3। तो फ्रेंड्स इस बार जो पेट्रोल डला अपना वो डला है 1000 का, यानी कि 10.3 लीटर्स पेट्रोल मिला हमें इस बार। एंड गाइस लास्ट टाइम जब मैंने पेट्रोल डलवाया था तो मैंने डलवाया था 404 किलोमीटर चलने के बाद, एंड जो इस पर पेट्रोल डलवाया है वो मैंने डलवाया 798.8 किलोमीटर चलने के बाद। मीन्स इस बार अपनी बाइक चली है 394 किलोमीटर उस 850 के डलवाए पेट्रोल में। बट गाइज इस बार पेट्रोल डला अपना 1000 का, यानी कि अगर देखा जाए तो 2 लीटर हमें बैक जाना पड़ेगा। मींस अगर 2 लीटर के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए इसको, तो इस बार अपनी बाइक ने एवरेज दी है, देखने में तो ये 40 टच कर रही है, लेकिन एंड गाइज अब तेल डला 1000 का एंड डला 798.8 पे। तो गाइज देखते हैं
कि अब ये जो बाइक लॉन्ग रूट पे चलेगी, मींस हाईवे पे चलेगी, जब इसकी स्पीड 90 भी होगी, कभी 110 भी होगी, कभी 120 भी टच करेगी, कभी 80 भी रहेगी, ठीक है, तो इस मिली जुली स्पीड पे ये कितनी एवरेज देती है। तो चलो निकलते हैं अब पठानकोट के लिए, एंड पठानकोट का रन रहेगा यहाँ से 27 किलोमीटर्स, मीन्स एक और जाने का रास्ता जो है हम कवर करेंगे, वो करेंगे हम 27 किलोमीटर्स, एंड आने जाने का डाल करके हम इसको 70 किलोमीटर मान के चलेंगे, क्योंकि 54 तो ऐसे हो जाएगा, एंड 10-15 किलोमीटर हम सिटी में भी घूमेंगे पठानकोट जा करके। तो गाइस चलो आते समय फिर एक बार तेल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, एंड देखेंगे फिर निकालेंगे इसकी एवरेज कि इतने किलोमीटर चली है अपनी बाइक एंड कितना तेल इसने खाया उस पर्टिकुलर राइड पर, ठीक है। तो गाइस इस बार मैं अपना जो मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी मीन्स अपलोड करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि 2-3 दिन हो गए इसको बनाते हुए मेरे को, एंड काफ़ी लंबा समय ले लिया इस ब्लॉग ने मेरा। तो चलो निकलते हैं पठानकोट के लिए, एंड फिर घर वापस आते समय एक बार फिर से तेल डलवाएंगे, एंड तब तक शाम पड़ चुकी होगी, रात पड़ चुकी होगी, तो फिर भी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, एंड आज ही इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा, एंड बताऊँगा आपको कि कितनी एवरेज दे रही है अपनी ये बाइक। तो चलो गाइस बने रहिए इस वीडियो के साथ, एंड मिलते हैं फिर वापस आते समय जब दोबारा पेट्रोल डलवाएंगे। फुल कर दियो, फुल कर दियो, फुल फुल ओ फुल। हाय फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस व्लॉग को कंप्लीट करते करते आज चौथा या पांचवा दिन आ गया मेरे ख्याल में, एंड अभी तक ये व्लॉग अपना कंप्लीट नहीं हुआ, एंड होपफुली आज इसको कंप्लीट करेंगे एंड शाम तक इसको अपलोड भी करेंगे। तो गाइस ये है अपनी रीडिंग जो मैंने अपने दूसरे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर में ही स्टोर कर ली थी। तो गाइस जब मैं फिर पठानकोट के लिए निकला हूँ इधर से, तो रीडिंग थी 798.8 जब मैंने यहाँ से पेट्रोल डलवाया पेट्रोल पम्प से, एंड फिर पठानकोट से वापस आते समय जब मैंने फिर दोबारा पेट्रोल डलवाया था, तब रीडिंग थी 854.8 किलोमीटर्स, मींस जो डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, जो मैंने डिस्टेंस कवर किया पठानकोट आने जाने में, ये जो डिस्टेंस था मैंने 56 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट किया था, कवर किया था। एंड गाइस ये जो डिस्टेंस था, ये जो मींस दूरी मैंने तय की थी, ये सिर्फ हाईवे की थी, इसलिए मैंने मीन्स बाज़ार के अंदर एंटर करना उचित ही समझा। मैंने सोचा कि अगर एक्यूरेट मेरे को माइलेज का कंफर्म करना है तो मेरे को हाईवे का ही मीन्स राइड कंसीडर करना होगा, अगर हाईवे राइड करूँगा तभी मैं उसको उस एवरेज को कंसीडर कर पाऊँगा। तो गाइस उसके बाद फिर जब मैंने तेल डलवाया वापस आते समय अपने 854.8 पे जाकर के, जब मैंने दोबारा इसको रिफ़िल करवाया, अपने टैंक को फुल करवाया, तो ये पेट्रोल डला मेरा 180 का, मींस 56 किलोमीटर मेरी बाइक चली थी। तो गाइस बता रहा था मैं कि 56 किलोमीटर मेरी बाइक चली थी पठानकोट आने जाने में, एंड जो पेट्रोल डला था वो डला था 180 का, मींस 180 का पेट्रोल डालने के बाद फिर मेरी टैंक फुल हो गई थी। एंड गाइस अगर 56 चली है बाइक मेरी 180 के पेट्रोल में, तो इसकी माइलेज आई 31 किलोमीटर्स पर लीटर। तो गाइस ये एक्यूरेट एवरेज है जब हम हाईवे पे चलते हैं, जब हम हाईवे पे चलते हैं एंड स्पीड कुछ भी हो, अपनी मैक्सिमम स्पीड कुछ भी हो, चाहे 130 हो, चाहे अबव 90 हो, तो यही एवरेज मिलेगी अपने को। जो सही एवरेज मिलेगी वो आपको मिलेगी 80 तक चलाने पे, 80 से बिलो चलाने में 70-80 या 85 आपको मिलेगी 40 का एवरेज या मोर देन 40। एंड अगर हाईवे पे आप जा रहे हो मोर देन 85-130, अगर आप क्लिक करते हो, तो ये जो आपको एवरेज मिल रही है वो मिलेगी आपको 31। तो गाइस कल जब मैं पठानकोट गया था तो मेरी बाइक की स्पीड इतनी थी भी नहीं, मैंने मैक्सिमम शायद नेल्सन टच किया था, मीन नेल्सन मीन्स
ट्रिपल वन टच किया था, उससे ज़रा चल नहीं पाई थी, ना ही मेरे को मौका मिला। तो अगर 111 पे चलने के बाद मेरे को 31 की एवरेज मिल रही है, तो ये 130 पे भी मेरे को 31 का ही एवरेज देगी। मैं जो मेरा मानना है कि यही एवरेज मिलेगा, इससे ज़्यादा एवरेज मिलने वाली नहीं है। हाईवे पे आपको 30-31 इन बिटवीन ही मिलेगी। तो गाइज, बाकी रही पेट्रोल की बात, मैंने पेट्रोल के बारे में भी एक चीज़ बतानी है आप दोस्तों को कि जब कभी मैं अवेंजर की टैंक फुल करवाता हूँ, तो गाइज उसमें होता क्या है कि टैंक फुल करवाने के बाद मैं ऐसे साइड स्टैंड लगाऊं, अगर तो प्लेन रोड है, मीन्स कुछ भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, तो तब तो ठीक है। एंड अगर थोड़ी सी भी ऊंचा नीचा है रोड पे, मीन्स अगर रोड ऊबड़ खाबड़ है, तो अगर उस पर हम ऐसा साइड स्टैंड लगाएंगे तो जो ओवर पेट्रोल है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा ये नीचे लगी पाइप से। तो गाइज, मेरी एक सलाह आप दोस्तों को कि जब भी कभी आप टैंक फुल करवाएं, मीन्स इसको बिल्कुल ऊपर तक अपने टैंक को फुल करते हो, तो ऐसे स्टैंड नहीं लगाना। अगर तो बिल्कुल रोड साफ है तब लगाने का, तब तो फ़ायदा है। अदरवाइज़ पेट्रोल आपका एक्स्ट्रा फ्यूल है जो बाहर आएगा, तो आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं है। बेटर आप इसको मिडल वाला सीधा स्टैंड लगाएं ताकि आपका पेट्रोल वेस्ट ना हो। ये जो कुछ बातें थी, ठीक है, मीन्स एवरेज को लेकर के सभी के मन में होती हैं, मेरे मन में भी होती हैं, लेकिन जब जब बंदा बाइक लेता तो वो कभी नहीं सोचता कि मैं एवरेज को कंसिडर करूँगा, क्योंकि जब ली है तो चलानी है ना। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, बाकी इन्जॉय कीजिए। जब भी आप बाइक लेंगे तो आप होप खूब इन्जॉय करेंगे, बाकी माइलेज अपने हाथ में है। रोड पे 80 तक चलाओ, अच्छी माइलेज मिलेगी। तेज चलाओगे ओबीस है तो अब माइलेज कम मिलेगी, लेकिन ये हाईवे पे 30-31 और या फिर बिलो 80-85 के बिलो चलाओगे तो ये आपको 40 आवरेज देगी। तो गाइज, ये जो था मेरे मन में, तो मैंने इसको कंसेप्ट को क्लियर करना चाहा आप दोस्तों के लिए। तो होप ये वीडियो आपको खूब पसंद आएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने ब्लॉग बनाने के लिए, खासकर मोटो ब्लॉगिंग के टाइम। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने ब्लॉग बनाने के लिए। तो प्लीज़ गाइज, अगर कभी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट पास कर दिया करो, एंड हो सके तो लाइक कर दिया करो वीडियो को, एंड बाकी डिपेंड करता है आप पे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो गाइज, अच्छा लगता है आप दोस्त इतना प्यार देते हो, वीडियोस को देखते हो, बहुत प्यार मिलता है आप दोस्तों का, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू, एंड अलविदा लेता हूँ आप दोस्तों से। होप आप सब अच्छे भले चंगे होंगे, इन्जॉय करें अपनी लाइफ का। Stay blessed. Bye bye guys. Take care. Love you all.